Subscribe and click the bell icon for all the television updates. कवच को लेके मैं यही कहना चाहूँगा कि फिलहाल तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कवच के प्रीमियर के लिए और कवच की शूटिंग जो हम कर रहे हैं उसको लेके, बिकॉज स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत डिफरेंट है और बहुत सारी लेयर्स हैं स्टोरी में, तो बहुत कुछ आपको हर 5 एपिसोड में कुछ नया देखने को मिलेगा, तो यू नो बहुत ही एंगेजिंग है बेसिकली, तो ऑडियंस हमें बहुत मज़ा आ रहा है करने में, तो ऑडियंस को देखने में भी उतना ही मज़ा है। अपने किरदार की अगर बात की जाए तो वो किस तरह का होने वाला है? किरदार बहुत ही अलग होने वाला है, बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाला है ऑडियंस के लिए, दैट्स ऑल आई कैन से एज ऑफ नाउ। तो आप देखिए शो और डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा, हमने प्रोमो में देखा संध्या कहीं ना कहीं अपना प्यार ढूंढने की कोशिश कर रही है, तो क्या लगता है? हाँ, मिल पाएगा उन्हें उनका प्यार? जी बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। दोनों का प्यार मुझे देखिए, वो जानने के लिए तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि संध्या की लाइफ में किसका प्यार है, ये आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, बट आई एम श्योर ये इंतज़ार वेस्ट नहीं जाएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ शो वीकेंड पर आने वाला है, क्या लगता है कितना एंगेजमेंट होगा फैंस के साथ? जी, वीकेंड पे शोज का बहुत एंगेजमेंट होता है, लोग फ्री होते हैं, मेरा जो मानना है कि सैटरडे संडे जो होता है काफ़ी लोग फ्री होते हैं, लोगों की छुट्टियाँ होती हैं, जो भी यू नो वर्किंग क्लास होते हैं, तो लोगों के पास आई एम श्योर वक्त होता है टीवी देखने का, और जितने भी हमारे वीकेंड पे जो शोज चलते हैं वो वर्क करते हैं, एंड कवच शुड ऑल्सो वर्क। इसी के साथ साथ को एक्टर्स के साथ किस तरह का ऑफ स्क्रीन बॉन्ड बना पाए? ऑफ स्क्रीन तो बहुत अच्छा बॉन्ड है हमारा, बहुत मस्ती मजाक करते हैं हम लोग, अभी भी फुल ऑन मस्ती मजाक चालू था। बैक स्टेज सब आके बार बार बोल रही थी कि लोअर डाउन योर वॉइस। तो बहुत ही प्यारे हैं दोनों, नमिक एंड दीपिका। बाकियों के साथ अभी मुझे शूट करने का मौका मिला नहीं है फैमिली के साथ, बट आई एम श्योर वो भी अच्छे ही हैं, अच्छे ही होंगे। अच्छा, एज यू नो कि इट्स अ सुपरनैचुरल शो, सो फैंस समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसे अगर हॉरर चीज़ें दिखाई जा रही है तो बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि अरे सामने से तो किसी ने नहीं देखा है, महसूस नहीं किया, तो उस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा थ्रेट है शो के लिए? नहीं नहीं थ्रेट क्या होता है, देखिए क्या होता है ना कि एज एन एक्टर जब आप 100% देते हो अपना, तो ये सी फिल्म और टेलीविज़न क्या है, आप एक कैरेक्टर प्ले करते हो, आपको ऑडियंस को कन्विंस करना है कि ये चीज़ है, ये हो रहा है, और ऑडियंस कन्विंस हो गई तो मतलब आपका आप अच्छे से काम कर रहे हो। तो जितने भी सुपर नेचुरल शो अभी चल रहे हैं या हॉरर शोज चल रहे हैं या फिल्म चल रही हैं, वो इसी वजह से चल रही हैं, जितने जो हमारी यंग जनरेशन है, यूथ है, या जो भी लोग इसमें नहीं मानते, मैं खुद नहीं मानता हूँ, बट मैं ऐसा शो कर रहा हूँ, तो जब आप ऐसा शो करते हैं थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है, बट जब ऑडियंस को कन्विंस करना कि ऐसा भी कुछ हो सकता है या हुआ था, तो यू नो इट गेट्स मोर चैलेंजिंग, तो मज़ा आता है करने में, और ऑडियंस को भी डेफिनेटली ऑडियंस भी कनेक्ट करेगी, उन्हें भी पता है कि हाँ टीवी है। फैंस काफ़ी एक्साइटेड है जानने के लिए कि संध्या की लाइफ में जो इम्पोर्टेंट वो कड़ी प्ले करने वाली लेडी है वो कौन होने वाली है संध्या की लाइफ में? दैट लेडी जो विलन बनी है, जी जी, तो वो कौन प्ले? जी, संध्या की लाइफ में तो कोई विलन नहीं है लड़की। प्रोमो दैट लेडी सेड ना कि मैं इम्पोर्टेंट कड़ी हूँ इस बीच की और मैं अपने प्यार को रिटर्न लेके आ पाऊँगी, वो जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, लास्टली फैंस को कुछ कहना? फैंस को मैं यही कहना चाहूँगा, गाइस प्लीज़ वॉच कवच महाशिवरात्रि, शनिवार रविवार रात 8 बजे कलर्स पे, बहुत ही यूनिक स्टोरी लाइन है, बहुत ही मज़ा आएगा आप सबको देखने में, हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे से शूट किया है, तो प्लीज़ देखिए एंड कीप शावरिंग योर लव। थैंक यू।